नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुनील डोगरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ईद है, सबसे पहले तो हमारी दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से यानी कि सुनील डोगरा की तरफ से आप सबको ईद मुबारकबाद। तो चलिए आज ईद के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से। तो हमारे चैनल के माध्यम से टेलीफोनिक वो ईद की मुबारकबाद सब जनता को देंगे। तो चलिए अभी कॉल करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को और उनसे बातचीत करते हैं ईद को लेकर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सर, सबसे पहले ईद की मुबारकबाद आपको। मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। जी सर। और जितने भी आपके देखने वाले हैं उन सबके लिए ईद मुबारक। जी। और यही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये ईद सबके लिए अच्छी हो। जी। लोगों की मुश्किलें दूर हो। जी। और हम लोग तरक्की करें और आतंकवाद से निजात पाएं। जी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस प्रकार से सतपाल मलिक का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, उसको लेके क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी वो चल रहा है उनका किस्सा, अब देखिए क्या होगा। अभी वो कहते हैं इब्तिदा है इश्क की, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी। तो सर, कोरोना भी आने वाला है, आ रहा है, कुछ केसेस जो है जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा नहीं आएगा, घबराओ मत। कोरोना बिल्कुल ठीक है, ये बहुत मालूम मामूली चीज है। जी। इंसान को जरा होश करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए और सब ठीक होगा और सब आप लोग भी ठीक रहे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टेलीफोन जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो साफ तौर पर हमारे साथ दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से जुड़ चुके थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, जिनसे हमने ईद की मुबारकबाद ली और उन्होंने एक मैसेज दिया हमारे चैनल के माध्यम से। वहीं पे जिस प्रकार से बात करें सतपाल मलिक की, जो एक मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी दी। और वहीं पे कोरोना के केसेस जो है वो निकलने शुरू हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन उस पर भी उन्होंने टिप्पणी दी। तो फिर से कहूंगी हमारे दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद की बात करें तो ईद की मुबारकबाद के साथ साथ लोग जो है एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है, वहीं पे मिठाइयां बांटे जा रही हैं, वहीं पे आज के दिन जो है तोहफे दिए जा रहे हैं। तो फिर से कहूंगी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।